श्री दुर्गाय नमः। विनियोग। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंत का बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केतव को मारने के लिए कमल जन्म ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा वाण धनुष परिघ शूल भुशुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन्वंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिस मन्वंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत वंश के उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विद्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विद्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे द्वाराचारी वृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और सज्जनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने
धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो अभी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक वर्ताप करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, उसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृगों पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी वो बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रही हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वह संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिनके आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ बहन से उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकाटय अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सब
प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की आदिशरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और सहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही सुहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशिष्ठकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय सहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महावेदा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री तुम ही ईश्वरी तुम ही री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी चूल धारणी गोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाले हो। वाण वशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वेश्वर स्वरूपे देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वही तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और सहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने उन उदार प्रभावों से भी प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुदर्श असुर मधु और केटव हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को सिर की जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केतव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाणव के जल में शेषनाग की सैया पर जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और केतव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तो कमलनयन भगवान से कहा, जहां
पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहां सूखा स्थान हो और वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक और अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकेतव वध का नामक पहला अध्याय पूरा होता है।